सबसे ब्यूटीफुल ड्रेस है इसमें से। दीदी आते ही बोल रही है कि देखो हम चलने वाली सीढ़ियों पे चल रहे हैं। फ्रेंड्स आज मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं आप लोगों को टूर कराऊंगा दीदी के ऑफिस का, और उसको सरप्राइज दूंगा उसके ऑफिस में जाके, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं अचानक से पहुंच गया हूं। और मुझे बड़ा लग रहा है काफ़ी टाइम से, मतलब मेरा मन था कि मैं दीदी को भी जाऊं उसके ऑफिस पे, उसको सरप्राइज दूं, उसको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज ही करते हैं इस काम को। देख कि मैं वॉशरूम में हूं। जिसकी स्क्रिप्ट चल रही है यहां पे नई वीडियो की। चल हम लेट हो रहे हैं, दीदी के पास चलना है। वाली वीडियो बना लो बस। नीतू चल यार, लेट हो गए। 2 मिनट की वीडियो है। नीतू चल। कैसी मेरी स्क्रिप्ट, अच्छी है? हां। इतने टाइम बाद हिम्मत करके आज मैं ठंडी पानी की बॉटल ले रहा हूं। फाइनली हम पहुंच गए दीदी के ऑफिस में। चलें लेट्स गो। और यहाँ सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा, इस कंजूस ने लिफ्ट तक नहीं लगवाई हुई। ओह शिट, मैं भूल गया था लिफ्ट है यहाँ पर, और नीतू लिफ्ट से ही आ रही है। लेकिन कितने कदम बचा लिए इसने, वैसे फिटनेस वाली बनती है बहुत अपने आप को। अरे बंद तो नहीं हो गई ये लिफ्ट, तो आ ही नहीं रही। आ गई आ गई आ गई। नीतू कितने कदम बचा लिए तूने, वैसे तो बहुत फिटनेस वाली बनती है अपने आप को। ओह माय गॉड शिट, हम किसी और के ऑफिस में घुस गए। आ जा ऊपर वाला है उसका, नीतू आ जा ना आ जा। ए दया बहन मैं तो थक गया। जी हाँ ये राइट ऑफिस है। वाह ये सारे नए नए ड्रेसेस बन रहे हैं यहाँ पर, और ये बैठी है महारानी यहाँ। क्या भाई एक लिफ्ट तो लगवा ले सही सी। क्या वो लिफ्ट पता है उससे तेज तो सीढ़ियों से आ गया। वाईफाई है यहाँ पे, वाईफाई तो है, ये पूछ चलता है। ये मेरी बहन का केबिन है। और गाइस जो आप देख रहे हो सिर्फ ड्रामा है, अभी तक आपने देखा ना बाहर बैठी हुई थी, यहाँ इसने मैकबुक खोल दिया है। और देखते हैं मैकबुक में है क्या। कुछ भी नहीं देखा आपने, ऐसे यार ये सब काम चला हुआ है। वाईफाई पासवर्ड बता जल्दी, हमारी पूरी टीम आई है। तो आप फेवरेट कौन है? आप तो बिल्कुल भी नहीं, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, जल्दी जाओ यार। इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है, खुद ही बस इतना बड़ा शीशा लगा खुद ही। ए ऑफिस में बैठे, घर नहीं है ये। कंजी अगर मम्मी ने वीडियो देख ली ना तो मैं ऐसा पेलूंगा दोनों को, मम्मी बताएंगे तुम दोनों को देखना। और यहाँ खाने पीने का सामान रख रखा है इसने भाई, ये हरकतों से बाज नहीं आएगी। अब दीदी के लंच, दीदी जाओ ना। हाँ दी, इसका लंच खोलियो पे। क्या जाया जल्दी रामा, लंच खोलियो पे इसका। लंच में देखते हैं कि क्या बहादुर भैया ने पैक किया था। किया था क्या इसमें यार, ये ना एक बात है, ये दीदी बहुत कम खाना खाती है। ये क्या है, मिठाई? नहीं तू इधर तो खाएगी नहीं, लेकिन मैं तो खा नहीं सकती ना, ये कर्ड होगा। यस यस नीतू सब जानती है तू। ये क्या है तू, तूने दीदी खा के दोबारा पैक कर लिया है? क्या है दीदी यार, है क्या बोलूं, थोड़ी तो शर्म कर। राइस बोल, तुझे खुद को सीईओ कहते में शर्म नहीं आती? रख दे नहीं तो छोड़, मैं तुझे नया खिलाऊंगा। नहीं लेकर जाती मैं रफ्तर भी खाऊंगी। यार बहुत अच्छी है बहन, तू तो यार बहुत पैसे बचाती है भाई इन्हीं चीजों में, बाकी नहीं। तो गाइस सबसे पहले तो आप लोग जल्दी से जाओ और दीदी का जो इंस्टाग्राम है ना कॉस्ट्यूम काउंटी का, जहाँ से आज आप लोगों को स्पेशल डिस्काउंट मिलने वाला है मेरी वजह से। थैंक यू, मेरे को बाद में बोल देना, मेरे को फॉलो कर लेना बाद में, लेकिन पहले जाके इसके कॉस्ट्यूम काउंटी वाले पेज को फॉलो करो। जल्दी बोल फॉलो हियर, बोल। अच्छा बोलेगी नहीं, लेकिन इसको फॉलोअर्स चाहिए। चलो यार कर दो, मेरे कहने से कर दो, कुछ तो मेरी लाज रख लो आप लोग। ठीक है अब मैं आपको दिखाता हूँ ये इसकी फैक्ट्री में कैसे कैसे सामान बनता है। दीदी ये क्या है? इसे प्रेस होती है, स्टीम प्रेस सारे कपड़ों पर। ओह वाओ यार, इसके लिए भी अलग चीज़ है यहाँ पे। हाँ ग्रेट। नीतू अब से तेरे को प्रेस नहीं करनी होगी, दीदी ने एक अच्छी चीज़ दिखाई है वहाँ, दिखाओ मुझे भी। और ये दीदी का है वेयर हाउस, वेयर हाउस है दीदी, सारा स्टॉक रखा हुआ है यहाँ पर कॉस्ट्यूम काउंटी का, जो भी आप लोग ऑर्डर करते हो वो इधर से आता है आपके पास। ग्रेट, कितने सारे कपड़े हैं यहाँ पर। न्यू कलेक्शन, चलो उधर चलो न्यू कलेक्शन देखते हैं जो उसका लॉन्च हुआ है। और अभी हम आ गए एकदम एक्सक्लूसिव कपड़े देखने, यहाँ पर लिखा हुआ लिमिटेशंस ओनली एग्जिस्ट इफ यू लेट देम। अच्छा अच्छा जी ज्ञानी, तो तेरा सबसे लेटेस्ट वाला कलेक्शन कौन सा है इसमें से? ये इसमें से कुछ कुछ ड्रेसेस हैं जो अभी लॉन्च भी नहीं हुई हैं। अभी लॉन्च नहीं हुई है, नहीं है। मुझसे मत बोलियो उनको काटने के लिए यार, मैं ये पूरा दिखाऊंगा ऑडियंस को अपनी को। और मैं सब लोगों को बताना चाहूंगा कि इसकी तरफ से, क्योंकि आज हम इसका प्रमोशन कर रहे हैं यहाँ पे, आप लोगों को 20% डिस्काउंट है जो भी आज और कल में जाके ड्रेसेस ऑर्डर करेंगे यहाँ से, और कोड यूज करेंगे लखनीट20 तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। सबसे ब्यूटीफुल ड्रेस है इसमें से। दीदी वो कहाँ है मेरा फेवरेट ड्रेस? सबसे अच्छी बात सारी चीज आप देख रहे हो मेड के अंदर है, सारी चीज आप देख रहे हो वो है मेक इन इंडिया, जो कि मेरी दीदी का खुद का इनिशिएटिव है। इसके अंदर है सबसे प्यारी ड्रेस, ये वाली नहीं प्रिंसेस वाली ड्रेस, तो यही है जो नीतू कितने दिन से पीछे पड़ी हुई प्रिंसेस वाली ड्रेस। नीतू आज तो ले ही चल इसको, ओके बहुत भारी है। क्या भारी है ये यार, देखो कितनी प्यारी ड्रेस है, सच में अच्छी है नीतू, इसको पहनूंगी मैं। अभी हम लोग टूर पे जा रहे हैं तब, तो ये सारी ड्रेस यहाँ से लेकर जाऊंगी मैं। अरे मुझे तो कपड़े खरीदने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं यार, देखना कितना सब है अपने घर में ही।
और दीदी ये सारी ड्रेसेस जो है ये तेरी वेबसाइट पर है ना? हाँ, मैं कोई ऑर्डर करना चाहे तो कहाँ से ऑर्डर करें? मेरी वेबसाइट से। वेबसाइट से ना? हाँ। वहाँ पे जरा कोड जनरेट करा दो लखनी 20। ठीक है, तूने मुझे नहीं बोलता लेकिन मैंने बोल दिया लोगों को। ठीक है, ये आई नहीं है मेरी ड्रेस, ये नहीं, ये सैंपल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ड्रेस कैसे बनती है। ये मेरे मास्टर जी हैं जो पैटर्न कटिंग करते हैं। मास्टर जी हेलो बोलो। हाय मास्टर जी, बहुत तारीफ सुनी है आपकी। वो मेरे कटिंग। ये क्या है दीदी? ये पैटर्न है। ये पैटर्न्स हैं तो यहाँ पे पैटर्न्स होते हैं, फिर उनकी कटिंग होती है यहाँ। ओ वाव, पैटर्न इससे से कटिंग, इन सब की कटिंग होगी अभी। ये कटिंग करते हैं। अच्छा, ये कटिंग मास्टर जी है। हनुमान मेरे को भी नहीं पता था कि इतनी बड़ी फैक्ट्री है और इतना बड़ा काम यहाँ पे चल रहा है यार। बहुत प्राउड फील होता है दीदी को ऐसे देख के। यहाँ पर सिलाई हो रही है। हाँ, ये कितनी यूनिक चीज़ है ना, यहीं पर मेजरमेंट है टेबल पर ही, ताकि बार बार स्केल की जरूरत ना पड़े। ये सब क्या हो रहा है भाई, इतने सारे लोग? ये मेरी ड्रेस जैसे आउट ऑफ स्टॉक होती रहती है तो वो हमेशा कुछ ना कुछ स्टॉक में रहे, तो इसलिए चलता रहता है। ऑर्डर्स मेरे अंदर से कंप्लीट होते रहते हैं यहाँ पर, जैसे बैकअप एक तरीके से। जैसे अगर 6-7 ऑर्डर्स होते हैं वो कंप्लीट हो गए हैं या फिर उसकी ड्रेस कोई कम हो गई है, कुछ भी हो गया है, तो फिर हम लोग उसे ऑलरेडी बना के रख देते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा वेट ना करना पड़े। ग्रेट यार, मैं अब समझ रहा हूँ कि ये बहुत अर्निंग कर रही है यार। आज अपना हिस्सा मांगूंगा घर जाके। ए नीतू को कोई ऐसा समझ पाया ना, सबसे बेस्ट वाले कपड़े चाहिए नीतू को, मेरी प्रिंसेस को। देखा कितनी प्यारी सी प्रिंसेस है मेरी। कल मेरी और लखन की लड़ाई हुई थी। लखन क्यों डर लगे यार? मुझे ही पता है। आपको नहीं पता, वो किसी और बात है। मैं इससे सब बात शेयर करता हूँ जो तू करती है ना, ऐसे मैं भी करता हूँ। अच्छा, ये देखो यार, ये बहुत प्रीटी है यार। तो लेके चलना इसको फिर। अभी मैं कहीं नहीं जा रही ना, जब जाऊंगी तब लेके जाऊंगी। देखो गाइस, ये बहुत ही प्रीटी है। इसमें तो अपने शूज वाली रील बना सकते हैं। दीदी दीदी, इसकी एमआरपी क्या है? इसकी 8600। ओके, बट यार ये है भी इतनी अच्छी ना, बहुत सुंदर। लेकिन ये पार्टी वियर है, मतलब कैजुअल वियर नहीं है ना। हाँ। इसीलिए इतनी एक्सपेंसिव है। यहीं से कुछ ये वाली ड्रेस पहनूंगी। हम लोग तो वहां जाएंगे ना तुम्हारे बर्थडे में। तू तो ये पहनेगी, मैं क्या पहनूंगा? तुम? हां, तुम्हें पहनना पागल। ये वाली मशीन बाकी मशीन से मुझे कुछ अलग लग रही है। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी ना फैक्ट्री में, वो है यहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट, क्योंकि दीदी ने पूरा सेंट्रलाइज्ड एसी कराया हुआ है। लाइक मैं इतनी देर से वहाँ पर खड़ा था, व्लॉग बना रहा था, मुझे एक बार भी ऐसा लगा कि गर्मी लग रही हो, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हो, तो वो बहुत ठीक है। मतलब मैं एज अ वर्कर देखूँ तो मैं यहाँ पूरे दिन काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं क्योंकि व्लॉग बनाने मेरे को। अब ये सिर्फ शो ऑफ के लिए लग गई है। आप भी देखो, शो ऑफ में इसने फोन भी मेरा उठा लिया। बहन इसका पासवर्ड ही बता दे। ये तो क्यों इसका प्रमोशन कर रही है लद्दड़ का? मैं अपनी वीडियो पोस्ट करने के लिए मांगा है यार। हाँ ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला जो टूर था यहाँ का फैक्ट्री का अच्छा लगा होगा। और यार एक बात और, प्लीज़ जाके ऑर्डर्स करना ढेर सारे। मतलब उसको कुछ लगना चाहिए कि यार मेरे यहाँ आने से कुछ फ़ायदा हुआ उसका, मेरे लिए वैसे बहुत बड़ी बात होगी। और दूसरी बात ये है कि पेज को ज़रूर उसको फॉलो करना जो इंस्टाग्राम का मैंने लिंक भेजा था। और अभी व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो मैं जाऊँगा, क्योंकि मैं अगर नोएडा आ जाऊँ और बिना खाई भी निकल जाऊँ, आप तो जानते हैं मेरे को। ये क्या है भाई, ये क्या है? और किसी दूसरे ब्रांड की तू लिपस्टिक यूज करते हो, शर्म नहीं आ रही? क्या तो मेरा अपने ब्रांड की लिपस्टिक हूं। तो बनाना लिपस्टिक। और मैं जा रहा हूँ सीडीओ से। क्या फायदा लिफ्ट से आने का, तुमसे पहले तो मैं ही आ गया। बहन तेरे को जो लेना है बिल्कुल मत ले, चुपचाप रख दे इनको वापस। चल, टाइम वेस्ट मत कर, तू टाइम पास मत कर, चला कुछ खाने चल रहा है, जल्दी आ यार। बहन ऐसे मत कर। दीदी 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 आते ही बोल रही है कि देखो हम चलने वाली सीढ़ियों पे चल रहे हैं। और आज इस बेचारी को मैं लेकर आया हूँ, आपने आज से पहले देखा होगा, इसको भी नैंडोस लेकर आया हूँ मैं, क्योंकि मुझे इस पे बहुत प्राउड फील हुआ। हाँ हाँ बोलो पैप्स। ये स्पेशल डिश मैंने सिर्फ अपनी बहन के लिए मंगाई। ले बहन ले, खाके तो देख। अरे खाके देख, तो कुछ मंगा ले पीने के लिए। ये ले, ये देख, इन दो में से कुछ लेगी। Thank you.
तो अब काफी लेट हो गया है, हम आ गए हैं घर पर। अब हम यहाँ पर पहले कुत्तों को फीड करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे ऊपर। फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं घर पर और अब मैं बैठता हूँ एडिटिंग पर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, दीदी का ऑफिस टूर बहुत अच्छा लगा होगा। तो यार प्लीज़ जाके ढेर सारे ऑर्डर्स कर देना, मुझे आप लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस है। और मैंने उसको भी बोला है कि तेरे 50-60 ऑर्डर तो आने वाले हैं, तो मेरी बात सच कर देना। और जो भी ऑर्डर करे प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताना, मैं पर्सनली भी थैंक यू बोलूँगा आपको। वेबसाइट आपको पता है, इंस्टाग्राम हैंडल आपको पता है, तो देर ज़्यादा मत करना। कल मिलता है नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।